अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मुझे तुम चलो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करें। तो लोग आज के सीन ये है कि आज है जी इतवार, तो भाई इतनी मतलब पेपर चार्ज पूरा हो तो उसके बाद जाकर मैं पहले मैंने व्लॉग बनाया जुम्मे का, ठीक है, तो उसमें लेकिन नहीं सही बना, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो रहा था। अब हो सकता है अपलोड कर दूँ, हो सकता है ना, तो कुछ पता नहीं, चेक करूँगा। अगर अच्छा हो गया तो कर देंगे बना, यूज़ कराओ। वैसे कल तक मंडे तक ये वाला व्लॉग भी आ जाएगा, ठीक हो गया। बाकी सीन ये है आज के, आज संडे है तो आज मुझे काफ़ी दिनों बाद मतलब रिलैक्स मिला था पेपरों से, तो मैंने कहा भैया आज ना ब्लॉग बनाया जाए आप लोगों को, फैमिली को भी, तो वहाँ देख रहे हैं ना। फिर तो भाई लोग ये खड़ी हुई है अपनी सैमटी, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास तो पैसे हैं, मेरे पास है तकरीबन काफ़ी पैसे थे पहले, लेकिन चार सौ खर्च हुई है। मैंने सोचा था कि पेट्रोल दे लूँगा जो खर्च हो गया है, तो मैंने कहा भाई पहले जाते हैं पेट्रोल दिलवाते हैं फिर वापस आएंगे। फिर आपको जैसे पता है कि छुट्टी को गुजर हुए महीना तकरीबन होने वाला है, तो बकरा ईद भी आने वाली है और हज भी आने लगा, ठीक है। तो हज मीटिंग मतलब कि मीटिंग किस तरह की, जितने लोगों ने हज पे जाना होता है ना उन सारों को बुलाते होते हैं जिनके थ्रू जा रहे होते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं आपको प्रॉपर तफसील में आकर बताते हैं, पहले पेट्रोल डलवाने चलते हैं बाइक में। अच्छा भी यार फिलहाल इन्वेस्टमेंट में आ गया था पेट्रोल डलवा के, भाई इतनी कसम से बाइक गर्मी है, कसम से बहुत गर्मी है। तो नीचे आया बेसमेंट में, बेसमेंट ठंड थी तो नींद आना शुरू हो गई। मैंने कहा पहले आपको सारी हाज मीटिंग करते हैं, तो 3:30 बजे हम लोगों ने निकलना घर से। तो सीन ये है कि यार हाज मीटिंग ये होती है कि मतलब कि जैसे अभी कंपनी है तवाफ़ मक्का, ठीक है, तवाफ़ काबा, ये अब कंपनी है ना, मतलब हमारे ख़ानदान मतलब अब उनकी है, तो क्या नाम है, अब हज मीटिंग ये है कि मतलब जो लोग हाजी जो मतलब हज पे जा रहे हैं उनको सारा उस पर बुलाएं, जो हज के मतलब सात चीज़ें होती हैं जो तो कंपनी की तरफ से मिलती हैं, वो चीज़ें मतलब करें वहाँ पे, चीज़ें वगैरह दें, और जो हाजी होते हैं उनको बताएं कि मतलब पहला दिन हज का कैसे, दूसरा दिन हज का कैसे, मतलब प्रॉपर वो हज का बताते हैं कि कैसे हज करना है, और साथ कौन से उनके टूर मतलब जो होंगे ग्रुप्स के साथ वो होंगे। तो ये सीन होता है सारा, ठीक हो गया। तो सब रेडी शेडी होते हैं फिर हम भी निकलते हैं। आप कह रहे हो कि भैया आप दो बच्चे हम किस काम के लिए जा रहे हैं, भाई हम जाते हैं हमें मज़ा आता है वहाँ जा सकते हैं, तो चले हम भी चलते हैं। अच्छा जी भाई लोग, तो मैंने जैसे आपको बताया हज मीटिंग में, एक हज मीटिंग भी उसको कह सकते हैं, बल्कि हज मीटिंग भी कह सकते हैं, साथ में कह सकते हैं, मतलब यार जो नए लोग मतलब हज के लिए जा रहे हैं ना उनको सिखाते हैं सारा हज, ठीक हो गया। तो हम पहनेंगे जी, हमने ईद पर सिलवाया था नया ब्लू सूट, सूट पहनेंगे बोस की, क्योंकि बोस की पहन तो एक ही टेंशन होती है दिल में, जाते सारा फिर उसको कुछ गिर गया पूरा दिन में अजियत ना गुजार। नया जो सिलवाया था वही बोस की भी है, क्या किया जाए, यार आपका भी एकदम रेडी शेडी हो चुके, चेक कर लो। बस ये बालों को पीछे से कटवाना पड़ेगा, ये मेरे बालों को, ये बैठते भी नहीं है एक तो, और खाप मारी जाते हैं। कटिंग होने वाली है भाई, जवान कटिंग होने वाली है। ओके चलो भाई चलते हैं। या अपने टीचर की तरफ पूरी तवज्जो से कहते थे लब्बे, बताइए ना जी जरा, पूरी तवज्जो से, और पूरी तवज्जो से कहते तो सुनने वाला भी खुश होता है। तो अब मेरी अर्ज आपसे ये है कि हमें अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखेंगे, अयाम हज में वो भी मना है और कोई बुरा तो करेंगे। एक और खूबसूरत اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم। अच्छा तो भाई लोग सीन ये पूरा टाइम फ़ोन मेरे पास नहीं था, वहाँ पे मतलब ग्रुप वगैरह बना रहे थे तो मैं आपके मैं उनका रिकॉर्डिंग कर पाया, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, अगले संडे दोबारा आएंगे, मतलब दोबारा ये है हज में, तो तब इंशाल्लाह आपको पूरा साथ साथ दिखाएंगे। अब भी फिलहाल सारे निकल रहे हैं आपको दिखाया जैसे कि, तो हम भी फिर चलते हैं।
अच्छा जी तो भाई लोग इनका यहाँ बोले निकाल रहे हो कि भाई मुझे यार एक्चुअली मैं बताता हूँ मीटिंग वगैरह से है ना वहाँ साइड मीटिंग से तो वापस आके यही सोना सो गए आराम से। उसके बाद अगले दिन से कहा मुझे कसम खुदा की याद नहीं रहा कि भाई हमारा कोई व्लॉग भी है, व्लॉग भी बनाना है। तो मैंने एडिटिंग वगैरह मैंने कहा फिर आज मैं अभी क्या है आज हफ्ता है भाई, आज हफ्ता है संडे का व्लॉग बनाया हफ्ता है आज हफ्ते को अपलोड करूँगा भैया। आज भी कोशिश पूरी करूँगा कि अपलोड हो जाए किसी ना किसी तरह हो भी जाए ठीक है। सांस था गया भाई इतना नीचे से भागता हुआ कि भाई आज व्लॉग बना के ना कुछ भी हो जाए ठीक है। तो यार फ़ोन में वहाँ आपका इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सका, मैंने फेसबुक से वीडियो चुप के अपलोड कर डाल दी थी थोड़ी बहुत ठीक है, इसलिए नहीं बना सका क्योंकि घर वाले मतलब वहाँ ग्रुप वगैरह में तो उनको फ़ोन चाहिए था, मैं अपना फ़ोन घर रख के गया हुआ था। वन प्लस अभी इसका कैमरा बहुत अच्छा हुआ मेरे वाले से ठीक है। तो फिलहाल अब अगला व्लॉग आएगा अगली मीटिंग का, बल्कि नहीं इससे पहले आएगा स्विमिंग पूल क्योंकि हम कल दोस्तों का नुकसान कर रहे हैं। तो फिलहाल इस व्लॉग में आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त।